जयपुर के जहां द्रव्यवती नदी में शनिवार शाम एक महिला AEN ने छलांग लगा दी थी, उसको बचाने के लिए कंपाउंडर पति भी 25 फीट गहरी नदी में कूद गया। ज्यादा पानी और दलदल में फंसने के कारण पति पत्नी की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि पत्नी का ट्रांसफर जयपुर कराने को लेकर दोनों किसी से मिलने वाली थी, इसी बात पर विवाद हो गया था। युवक के भाई यादवेंद्र ने ही दोनों की लाशें द्रव्यवती नदी से बाहर निकाली है। भाई यादवेंद्र ने बताया कि तरुण का शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे कॉल आया था। उसने बताया कि मधु बिना बताए मोबाइल और अन्य सामान घर पर छोड़कर कहीं चली गई है। पत्नी को तलाशते हुए तरुण भी घर से निकल गया था। कुछ ही देर बाद भाई ने दोबारा कॉल कर बताया कि मधु द्रव्यवती नदी में कूद गई है। पता चलते ही तरुण तुरंत भाग कर घर के पास द्रव्यवती नदी पर पहुंचा और पत्नी को बचाने के लिए 25 फीट गहरी नदी में कूद गया। लोगों की मदद से करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तुरंत जयपुरिया हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दंपति को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस का कहना है कि गहरे पानी और दलदल में फंसने से दोनों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई है। SHO महावीर सिंह राठौर ने बताया कि द्रव्यवती नदी में डूबने वाली मधुबाला और तरुण कुमार की एक 10 महीने की बच्ची है। पुलिस ने बताया कि मधुबाला सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में AEN पद पर थी। पति तरुण कुमार बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स ए ग्रेड के पद पर था। उन्हें दोपहर करीब 2:30 बजे इसकी सूचना मिली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दंपत्ति के शव को जयपुरिया हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया है। पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में अपनी कलह में पत्नी का सुसाइड, नदी में कूदने और उसको बचाने के प्रयास में पति की मौत होने का मामला सामने आया है। तरुण के माता पिता और भाई गणपति नगर से प्रपथ में रहते हैं। वे दोनों 4 दिन पहले ही घर आए थे।